हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद का एक 3D लाइव वॉलपेपर कैसे बना सकते हो। तो गाइस, बहुत सारे ऐप्स हैं प्ले स्टोर पर जहां पर आपको एक कैटलॉग दी जाती है और उसमें बहुत सारे वॉलपेपर्स ऐप होते हैं जो आपको डाउनलोड करके यूज़ करना पड़ते हैं, लेकिन आप खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से ये वॉलपेपर्स बना सकते हो, वो भी 3D। तो हम इस आज जिस ऐप का यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है 3D वॉलपेपर पैरालैक्स। तो स्क्रीन यहाँ डाल दी है मैंने, आप देख सकते हो ये उसका इंटरफेस है। तो इस ऐप की जो कैटलॉग है यहाँ पर वॉलपेपर है जो यूज़रों ने अपलोड करे हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं वो खुद का वॉलपेपर सिखाऊंगा कैसे बनाना है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप खुद का 3D लाइव वॉलपेपर बना सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त, जो आपके दोस्त देख कर बेहरा जाएंगे, मतलब पागल से हो जाएंगे कि कैसे कर लिया भाई तुमने। तो आपको ऐप की स्क्रीन दिखी रही है, तो आपको प्लस के बटन पर प्रेस करना है। तो गाइस, आपको करना क्या है, आपको 3D और 4D लेयर दिख रही है यहाँ पर, और बीच में आपका ये स्क्रीन जहाँ पर आपका वॉलपेपर आप बनाना शुरू करेंगे। तो आपको सबसे पहले एक 3D लेयर ऐड करना है। 4D लेयर प्रो में है तो आप वो वाला ऐप डाउनलोड कर लो, प्रो वाला, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ठीक है ना गाइस, अब आपको इसमें से कोई सी भी लेयर सिलेक्ट करना है एक, तो मैं ये कोई सा भी ले लेते हैं हम इसमें से रैंडमली। तो हम ले लेते हैं ये फायर वाला, ठीक है ना गाइस, फायर वाला हमने ले लिया है, और हम थोड़ा सा इसको ऐसा कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये ले लिया मैंने। अब एक और 4D लेयर, तो मैंने बोला कि ये आपको प्रो में मिलेगा, तो आप प्रो अगर ले सकते हैं, खरीद सकते हैं तो ले लें, बाकी 3D से ही बहुत ज़बरदस्त बन जाते हैं। तो 3D लेयर में हमें जाना है। 3D लेयर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे डेडपूल का है और ही बहुत सारे दिखेंगे आप नीचे आते जाएंगे। तो गाइस, तो हम ले लेते हैं डेडपूल का ही। डेडपूल का लेने के बाद अब हम डेडपूल को एडजस्ट कर देंगे, ठीक है ना। इसको एडजस्ट करने के बाद आपको करना क्या है, एक और लेयर आप ऐड कर सकते हैं, और तो हम कर देते हैं यहाँ पर किसी को ऐड। तो मैं देखता हूँ किसको ले सकते हैं हम, यहाँ पर स्पाइडरमैन को ले लेते हैं हम, बहुत ज़बरदस्त कुछ बनाते हैं, ठीक है ना गाइस। इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, तो इतना ही छोटा होगा, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। और एक और लेयर आप ऐड कर सकते हैं गाइस, तो हम और कुछ ले लेते हैं यहाँ पर, एक आध और इफेक्ट जैसे ये ले लेते हैं, इस इफेक्ट को भी ले आते हैं स्क्रीन में। तो ऐसा दिखेगा कि थोड़ा गदर सा मच रहा है स्क्रीन के अंदर, ठीक है ना। तो गाइस, ये चार लेयर हो गई हैं। अब चाहे तो आप एक और लेयर ऐड कर सकते हो उसकी, लेकिन एक और लेयर ऐड करने के लिए आपको इसका प्रो वर्जन चाहिए होगा, तो आप मैक्सिमम 4 लेयर्स के इसमें वॉलपेपर्स बना सकते हो। तो मैं प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ आपको कि ये कैसा बनेगा आपका ऐप। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कितना ताबड़तोड़ आपका वॉलपेपर लग रहा है गाइस। तो इस तरह से आप लेयर्स का यूज़ करके अपना वॉलपेपर बना सकते हो, और इसको सेट वॉलपेपर कर दोगे तो तुम्हारा वॉलपेपर बन जाएगा। लेकिन आपको जो वर्क करना है वो इंडिविजुअल लेयर्स का होगा। जैसे मैंने अगर स्पाइडरमैन वाली लेयर यूज़ करी है, तो स्पाइडरमैन वाली लेयर को मैंने क्लिक करना है, और उसको मैं नीचे दो आपको ट्राइंगल दिख रहे होंगे हॉरिजॉन्टल में, तो आप इसका वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना गाइस। और ऊपर नीचे आप कुछ भी कर सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। और आप चाहें तो रोटेट भी कर सकते हैं इसको इस तरह से। तो ये सब आप करके वॉलपेपर बना सकते हो। सिंपल सा सेटिंग्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। प्रीव्यू करा है ये मैंने, तो प्रीव्यू में आपको दिख रहा है ये है वॉलपेपर हमारा, और ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, बहुत ही ताबड़तोड़ लग रहा है, ठीक है ना गाइस। अब बैक जाके आप इसको सेव भी कर सकते हो और बाद में कंटिन्यू करके बना सकते हो। तो ये खासियत है इस ऐप की। तो यहाँ से अपना बैकग्राउंड प्रीव्यू कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं वॉलपेपर, ठीक है ना गाइस। तो इस तरह से आप अपने वॉलपेपर बना सकते हैं 3D पैरालैक्स का यूज़ करके। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और वॉलपेपर से लेकर मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्द। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी वीडियो मिलती रहे।